दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sport 95 में। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम दबंग दिल्ली कैसी प्रो कबड्डी सीजन 8 में कैसे चैंपियन बनी उसके टॉप 5 रीजंस देखेंगे। दोस्तों दबंग दिल्ली कैसी टीम की बात करें तो ये टीम प्रो कबड्डी के शुरुआती 5 सीजंस तक काफ़ी कमजोर टीम हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 6 में ये टीम पूरी तरह से बदल गई और पहली बार प्लेऑफ्स में पहुंच गई। और दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 7 में ये टीम फाइनल्स तक पहुंची और प्रो कबड्डी सीजन 8 में ये टीम चैंपियन बन गई। दोस्तों अगर आपने PKL सीजन 8 में यू मुंबा टीम के खराब प्रदर्शन का वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों ऐसे कौन से 5 रीजंस है जिस कारण ये टीम चैंपियन बनी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में साइड के बेल को भी प्रेस कर दे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। PKL सीजन 8 के ऑक्शन के बाद ये टीम कागज पर सबसे मजबूत टीम लग रही थी। दोस्तों आप स्क्रीन पर आ रही इमेजेस पर देख सकते हैं कि ये टीम कितनी मजबूत थी। रीजन नंबर 2, क्लेवर डिफेंस। दोस्तों इस टीम के डिफेंस को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि इस टीम ने ज्यादा टैकल किए ही नहीं। दोस्तों इस टीम के डिफेंडर काफी संयम के साथ खेलते थे और डू और डायरेक्ट पर ही टैकल करने की कोशिश करते थे, जिस कारण फेल टैकल्स कम होते थे और विरोधी टीम को लीड लेने का मौका नहीं मिलता था। रीजन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग रेडिंग यूनिट। दोस्तों इस टीम की ओर से PKL सीजन 8 में विजय मलिक ने 157 तो नवीन कुमार ने 207 रेड पॉइंट्स लिए थे। इस टीम के पास और 4 रेडर्स मौजूद थे जो कि थे अजय ठाकुर, संदीप नरवाल, आशु मलिक और नीरज नरवाल। रीजन नंबर 4, एक्सपीरियंस कोच। दोस्तों कृष्ण कुमार हुड्डा एक काफ़ी अनुभवी कोच है, उन्होंने पूरे सीजन टीम को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला। एक समय पर बेंगलुरु बुल्स ने दबंग दिल्ली कैसी को काफ़ी बड़े अंतर से हराया था, फिर भी टीम का मनोबल नहीं गिरा और टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। रीजन नंबर 5, पटना पायरेट्स कोच मिस्टेक इन फाइनल। दोस्तों फाइनल मैच में पटना की टीम ऑल आउट के करीब आ गई थी, इसी के चलते पटना पायरेट्स के कोच ने ऑल आउट बचाने के चक्कर में अपने सभी रेडर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी के कारण पटना के पास मैट पर एक भी अच्छा रेडर नहीं था और इसी के चलते दबंग दिल्ली कैसी ने पटना पायरेट्स को ऑल आउट दिया और लीड बना ली और फाइनल मैच एक पॉइंट के अंतर से जीत लिया और बन गई प्रो कबड्डी सीजन 8 की चैंपियन टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही कबड्डी से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।